सलाम अलैकुम। हेलो। सलाम अलैकुम। हाँ मुल्ला जी बोलिए। कौन साहब बोल रहे हैं? मेरा नाम है दिलफराज। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं? आपके यूपी से। कहाँ से? यूपी से? कौन सी जगह से? शहर नहर? यूपी। यूपी में हो गया आपका गाजियाबाद। गाजियाबाद? तो गाजियाबाद में क्या मतलब है, क्या क्यों फोन लगाया? मसला ये था हजरत के रशीद अहमद गंगोई ने फतावा रशीदिया में लिखा है कि अल्लाह हमसे वादा किया है अच्छा कि कभी मेरे जुबान से गलत बोली नहीं निकलाएगा। क्यों खांसी क्यों हो रही है मुल्ला जी? अब देखो साहब, गंगोई साहब भी दुनिया से चले गए, तानवी साहब भी चले गए, फाजिले बरेलवी भी चले गए जी, किस किस से जाके क्या क्या तहकीक करें। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अल्लाह ने कब वादा किया था उससे कि तेरी जुबान से कभी गलत नहीं निकला होगा। तो मैं पूछ रहा हूँ ना, किसी ने किताब में लिख दिया हो, उन्होंने नहीं कहा हो, तो अब उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर थोड़ी है। अब वो दुनिया में है नहीं जी, दुनिया में होने के बाद ही किसी से तहकीक करने के बाद ही बात नहीं देखिए हजरत, तो वो देवबंद मदरसे के बड़े आलिम है तो उनको तो वो सोच समझ के लिखा होगा ना, तहकीक करके लिखा होगा। देखिए आप, फाजिले बरेलवी ने भी किया है बात, आप अलमरफूक पढ़ो, वो कहते हैं मुझसे अल्लाह के सुने वादा फरमाया है कि तुम्हें बुखार नहीं आएगा। किससे वादा फरमाया? फाजिले बरेलवी मौलाना अहमद खान साहब से। जरा हवाला भेज दो तो, क्या है वहाँ पे? भेज देंगे फिर उनको भेजो, अभी भेजो, अभी भेजो, पढ़ के दिखाता हूँ मैं आपको। अभी थोड़ी अभी तो बात कर रहा हूँ ना, बाद में भेजूंगा। मुल्ला जी फिर उनको बुखार भी आया, और फाजिले भाई कहते हैं मुझसे अल्लाह के सुने वादा फरमाया कि तुम्हें बुखार नहीं आएगा। नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, नहीं तो हम भेजेंगे ना, ऐसे क्यों भाग रहे हो आप? हाँ तो भेजो ना भाई, अभी भेजो ना, पढ़ के सुनाऊंगा मैं आपको। बात चलते चलते भेज दूंगा मैं, अभी बात खत्म होगी फिर भेजूंगा मैं। पक्का भेजोगे? तो ये बात जो लिखा है कि मुझसे वादा किया है तो ऐसी बात का क्या, इसका क्या हुक्म लगेगा? उनका जब देख रहे हो तो अपना भी देख लेना चाहिए, अपनी पार्टी। अरे भाई मैंने अपना देखा भी है, पढ़ा भी है, समझा भी है। और सुनो, एक तरफ लिखते हैं गंगोही नारकी साहब के बड़े भाई, छोटे भाई हैं। हाँ। वो नहीं, थानी साहब के बड़े भाई, उसे हम भी नहीं मानते, जो लिखा है उन्होंने उसे हम भी नहीं मानते। अच्छा हजरत, ये तो थानवी साहब, सुनो तो सही उन्होंने क्या बोलो 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 किराम अलैहिस्सलाम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं। शब्बाशी का मतलब क्या हुआ? बस अब तुम्हें मालूम हो, फाजिले बरेली में लिखा है तो अब सही बता। लिखा है तो सही लिखा है। आपको पकड़े बैठे थे कि उन्होंने ऐसा लिखा, फाजिले बरेली लिखा तो अब लिखोगे शब्बाशी का क्या मतलब होता है? जो लिखा है क्या मतलब होता है? देखिए मैंने वही बोला, बोला जी की शब्बाशी का मतलब क्या है? देखा कौन ऐसा है जो शब्बाशी करते देख रहा? चलो शब्बाशी के माने मुलाकात। अरे भाई तूने हुजूर की हदीस पढ़ी की जो जन्नत है, तो मुलाकात किसने करते? अच्छा, और तुम्हारे देवबंद के आलिम से लिखा है क्या? अल्लाह के रसूल की बीवियों को मुल्ला जी सुनिए, कौन है जो देख रहा है इस तरह से? मुल्ला जी सुनिए, आपके देवबंद के उलमा ने लिखा है कि नबी अपनी कब्र में बीबी से सोबत करते हैं। भेजो हवाला, आपके अब्बा ने क्या लिखा है? अरे तुम लोगों ने लिख के डाल दिया। अरे भाई हवाला भेजो, अभी भेजो क्या? अरे तुम लोग खुद ही लिख देते हो ऐसी बात। अरे भाई अशरफ अली थानवी ने खुद लिखा है, हवाला भेजो। बना दी होंगी बातें इस तरह की कैसे? तो भाई किताब उनका है ना, मेरे घर का तो नहीं है। हम क्या तो देखिए मुल्ला जी सुनिए, आला हजरत ने ये लिखा है, सुनिए मुल्ला जी, आमजदी का हवाला भेजेंगे, उन्हें लिखा है सैकड़ों गलतियां अब तक मिल चुकी है फतावा शरीफ भाई का। हम बहुत मुताला किए, समझे भी है, लेकिन आला हजरत ने ये लिखा है कि नबी अपनी कब्र में जिंदा है, वो उस पर बीवी पेश की जाती है, वो शब्बाशी करे। शब्बाशी का मतलब क्या है? शब्बाशी का मतलब होता है बातचीत करना, गुफ्तगू करना। और तुम्हारे आलिम ने लिखा है कि नबी अपनी कब्र में बीवी से सोबत करते हैं, हवाला भेजो। तो ये कौन सा गलत है? अरे तो तुम लोगों ने नई बना दी है आज तक नहीं। अरे भाई फिर वही बात, देखिए देखिए सुनिए सुनिए, आला हजरत ने फतवा जो लगाया तो फतवा पे फिर तहकीक हुआ। और आपके %95 देवबंदी है, तुम कहाँ का भागे फिरोगे? अरे भाई 250 से 300 उलमा ने साइन करके दस्तखत दिया है अरब में, गाजियाबाद में तो 95% देवबंदी। कैसे 95 है? 300 से 400 से उलमा ज्यादा थे, उस पर दस्तखत करके हिसाब में तीरमोर कर दिया। बाद में जहाँ आप बोल रहे हो वहाँ से 95% देवबंदी है। वो खर जो भी हो आपके नजदीक, क्या मानोगे आप, मुसलमान मानोगे या नहीं मानोगे? किसको? देवबंदी को? जो देखिए भाई, आला हजरत ने सारे देवबंदी को काफिर नहीं कहा, जिसका वो अकीदा है उसको काफिर कहा है। अच्छा, हम सारे को तो नहीं कहते, जिसका वो अकीदा नहीं उसे तो काफिर मानोगे, जिसे जिसका वो नहीं होगा, जिसका वो अकीदा नहीं है वो यकीनन वो मुसलमान है। जो ऐसा अकीदा रखे और जो उसके कुफर में शक करे वो उसका वो जाहिल से गिरे। चलो ये अच्छी बात आपने कही कि जिसका वो अकीदा नहीं वो तो मुसलमान है। वो मुसलमान है, बिल्कुल है भाई। बस तो
देखिए बहुत मुल्ला अच्छी जी, मैं बात की आपको हजरत, आप पहले जैसे लोग हमें समझाया करें तो हम समझ में आए, आप समझा। जी, मैंने तो वही आपको कहा कि आला हजरत सारे मुसलमान सारे देवबंदी को काफिर नहीं कहा है, जिसका ये अकीदा है जो उसका पैर भी करे उसको काफिर कहा है, सारे को तो नहीं कहा है भाई। पूरा दुनिया में देवबंदी जो है इसका अच्छा माज़ अच्छा अल्लाह है। देखिए ये मुल्ला जी इबारत पहले को, ये पूरी बात किताब सुनिए। को अरब के आलिमों ने भी नहीं पढ़ा, वो अरबी जानते हैं, इमाम हरम ने, जी मस्जिद नबवी के इमाम ने, वो भी जी मुसलमान इमाम हरम को अरबी में लिख के दिया था आला हजरत, वो कहा कि इस नहीं। जैसे आज तर्जमा की को तारीख अरबी का में जो, करके दीजिए। आज की तारीख का जो इमाम हरम है, इसे तो आप मुसलमान मानते हो, हरम को इमाम हरम को? इमाम हरम तो मुसलमान है, लेकिन बात यह है कि उसके पीछे नमाज पढ़ा नहीं जाता है। आप लोग पढ़ते हैं, हम लोग नहीं पढ़ते हैं खैर मुसलमान तो मानते हो आप? भाई। मैंने तो पहले कह दिया कि मुसलमान तो दुनिया में हर कोई है। चलो अच्छा, मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे तो पढ़ सकते हो आप, अल्लाह के रसूल की मस्जिद का इमाम है। देखिए मस्जिद का कोई गलती नहीं है इसमें, मस्जिद तो मस्जिद अल्लाह का घर है नहीं, अल्लाह के रसूल की मस्जिद है, अल्लाह के रसूल का रोजा शरीफ वहीं है, वहीं भाई। पर इमाम मैंने तो खड़ा वही हुआ है, वहीं करीब में जी इमाम जी खड़ा है। मैंने तो वही कहा कि देखिए नमाज तो हर मस्जिद में होगा, इसका कोई हवाला बात नहीं है, लेकिन बात इस पर इसकी इमाम का अकीदा कैसा होना चाहिए। आप अगर लाखों ईमान वाले होंगे आपका अकीदा सही ना होगा, तो अच्छा आपको तो हदीस ईमान हदीस बेकार है। सुनो, हुजूर फरमाते हैं, नुसरत तो बिर्रौबे मसीरत शाहरीन, अल्लाह ने मेरी रोब के जरिए मदद फरमाई कि एक महीने की मुसाफत की दूरी पर भी कोई होता तो अल्लाह के रसूल का रोब वहां तक पहुंच जाता, एक महीने की मुसाफत। जी, वो तो और सर पे मस्जिद माना होगा। नबवी बिल्कुल करीब में है। तो अब आप ये बताइए, जरा ठंडे दिल से सोचिए कि जब साबिर कलियरी की मस्जिद में कोई बदअकीदा नहीं आ सकता, गरीब नवाज की जी मस्जिद में कोई बदअकीदा खड़ा नहीं सकता, कि अल्लाह के रसूल के रोजे शरीफ के सामने इमाम खड़ा, क्या बदअकीदा हो सकता है? नहीं भाई, मैंने वो बात नहीं कहा कि बदअकीदा हो सकता है। मैंने पहले आपको कहा कि नहीं बिल्कुल, बिना जिसका शक को शुबा कहो कुफिया कि बेशक मोमिन है, वो इमाम मोमिन है जो बिल्कुल मस्जिद में है। मोमिन है भाई। हम तो आपको वही बोल रहे कि मोमिन तो हर कोई दुनिया में है, ईमान नहीं, ये वाला भी कहो है, कि मस्जिद लेकिन नबवी का इमाम मोमिन है। मस्जिद नबवी का हाँ देखिए हम उसको काफिर कहते हैं जिसको जिसका अकीदा ऐसा गलत हो। सही माज़ अल्लाह बात को आपका अकीदा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता हाँ हाँ है ऐसा आपका हमारा अकीदा? किसी किसी का अकीदा नहीं, ना देवबंद तो वालों फिर का है, किताब में किसी का क्यों नहीं ऐसा है, लिखा गया किसी कि को तो मुती बारी वैसी ताला क्यों लिखा गया है? बहस चल रही होगी, कुछ बात पे ऐसी होगा मामला। जैसे फाजिल बरेलवी ने कहा, एक मेराई रहमत में दावा नहीं, कहा था। जी अच्छा जी आप ये बता, सारी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे या आधी उम्मत में होंगे? सारी उम्मत में होंगे तो अब जो ये कहे कि शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, साकी सारी उम्मत पे, एक ऐसा मेराई शायद रहमत कहा में लिखा दावा आपने? नहीं, एक मेराई रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। भाई तो उम्मत उनका थोड़ी रहा है। नहीं, आपने अभी कहा कि आधी देख सारी सारी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे, होंगे कि नहीं? तो होंगे कि बिल्कुल आला हजरत सकाब ने के खुद हदीस है। कहा कि शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, सब पे सलाम भेज दिया उन्होंने। वो तो सारी उम्मत को कहा है, जब वो कलम उठाया तो इसके नबी में डूब गए, देखा सारा मामला उसी के कारण लिखा है। लेकिन हमको तो आज तक ये पता नहीं हुआ कि क्या नहीं पता हुआ? अशरफ अली थानवी साहब का हलाली बाप कौन है? आज तक किसी किताब में नहीं अरे यार, तुम मस्त मजलूबों की बात मत लाया करो, वो मस्त उन्होंने है। दुआ दिया था, अल्लाह ताला के देखिए बली, देखिए मुल्ला जी आप सही अल्लाह बोल रहे के हैं। बली होते हैं नहीं, मस्त वही मजलूब लोग, तो उनके बारे में अच्छा बदगुमानी मुल्ला नहीं जी करूंगा। आपका बात सराहू पर, मैं मानता हूँ ऐसे इस बात को। तो अब अगर हम आपको बता दें तो क्या आप मान लोगे वो बात को, जी, मैं तो वही आपको इलियास कह रहा कादरी ने हूँ। अपने बाल को बाल मुबारक के बटवाया है, क्या आप इलियास कादरी को मानोगे हक पर है? क्या अभी देवबंद वालों ने बटवाया थानवी साहब के बाल को बाल मुबारक के, या नानकवी साहब के बाल को बाल मुबारक के? इलियास ने तो अपने नहीं जीते जी, अभी जिंदा है, इसने अपने बाल को बाल मुबारक के बटवा दिए। देखिए जो भी हो नहीं, दुनिया ये में, गलत, ये कितना गलत है, गलत किया देखिए मैं तुमने तो वही बोला हूँ भाई कि जिसका जो बहुत। कुफरिया है इबारत है उसका नहीं, अंजाम ये को भुगतना इलियास पड़ेगा। कादरी जो अभी पाकिस्तानी है, इसने अपने बाल को बाल मुबारक के बटवाया है। कहाँ पे बटवाया? अभी बड़ा टीवी में इसका वो आम है, वीडियो में भेजवा देंगे हम आपको। देखिए अभी सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी किसी अच्छा, के इसने खिलाफ कुछ भी लब्बैक बोल या सकता अत्तार है। के नारे लगवाए, लब्बैक या अत्तार, ये तो सब सही बातें हैं साहब, झूठी मूठी नहीं है, बहुत दुनिया में मशहूर है इसकी बातें। और इसने ये कहा मैं मुजद्दिद नहीं हूँ, फिर ये भी कहा बड़े पीर साहब हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी भी मुजद्दिद नहीं थे, फिर और आगे जी बढ़ा कहता है कि सहाबा किराम में कोई मुजद्दिद नहीं था। जी जी बिल्कुल। देखिए मुल्ला जी आपका आप बात बताओ, ये तो गुस्ताखी है देखिए कि नहीं, ये गुस्ताखी है कि नहीं? देखिए मैं तो वही कह कह रहा रहा है हूँ कि सहाबा जो किराम में कोई मुजद्दिद नहीं था, ये कहने का इसका क्या मतलब है? सहाबा किराम तो मुजद्दिदों के सरदार थे, सैयदुल मुजद्दिदीन, हर हर सहाबी सैयदुल मुजद्दिदीन है, जी और वो कह रहा है कि सहाबा किराम में कोई मुजद्दिद नहीं था, ये बताने के लिए कि मैं भी बहुत बड़ा बुजुर्ग हूँ, बहुत बड़ा वली हूँ, मगर मैं मुजद्दिद नहीं हूँ।
फिर इसने लिखा कि आलू बैंगन टमाटर की सब्जी बनाकर सलाम कहना, चाय की केतली हाथ में उठाकर सलाम कहना, तरबूज सर पे उठाकर सलाम कहना, ये बताओ सलाम का मजाक है कि नहीं? देखिए जो शरीयत के खिलाफ काम करे वो तो मजाक भी है गुमराह भी है। नहीं ये बताओ ये सलाम का मजाक है कि नहीं? तरबूज सर पे उठा के सलाम कहना, हुजूर की बारगाह में हम तरबूज सर पे उठा के ले जाएंगे? वो तो खैर उनका मर्जी है, जो लिखा है उसका कुफरी इबारत तो उसका तो उनको तौबा ना करे तो उसका तो जवाब उनको देना पड़ेगा भाई। नहीं ये आपको भी गलत लग रहा होगा ना कि हाँ यार ये तो बिल्कुल गलत है। देखिए जो है कि तरबूज सर पे उठाकर सलाम कहना जब हुजूर की बारगाह में जाओ, मैंने तो वो हवाला पढ़ा नहीं, आप पढ़ा हो तो आप तो मालूम होगा। लेकिन दूंगा, इसमें लिखा है कि जो मदनी चैनल देखेगा वो जन्नत में जाएगा और मदनी चैनल नारे दोजख से बचाएगा तुम्हें। जी आपके पास है तो भेज दीजिए, हम तो उसका मुताला किए नहीं है। लेकिन आप जो एक बात बोले मुल्ला जी, आप जो एक बात और बताया, एक साहब ने ख्वाब देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर तशरीफ लिए जाते हैं। पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ लिए जाते हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बरकात अहमद की नमाज जनाजा पढ़ने। अब थानवी साहब के जो रिश्ते में बड़े भाई थे, हम उनकी इस बात को हम भी नहीं मानते हैं, उन्होंने कहा कि वो नमाज जनाजा मैंने पढ़ाई थी, यानी ख्वाब में वो अल्लाह के रसूल के इमाम बन रहे हैं। अब आप बताओ ऐसा ख्वाब लिखना दुरुस्त है? बिल्कुल कुफरी इबारत है। जैसे आपने जो ये बोला कि उनके बाप वो मजदूम की दुआ से पैदा हुआ, तो आपके देवबंद के उलमा कहते हैं, हम अगर कहते हैं कि ये दुआ ख्वाजा गरीब नवाज के दुआ से ये बच्चा पैदा हुआ, तो आप इनको कुफर सिर का फतवा लगाते हैं? सारे देवबंद वाले मानते हैं और मैं जाते भी हैं और उनका सिलसिला है। कासिम नाज़िम साहब ने कहा था, मालूम है कासिम नाज़िम साहब ने कहा था कि आसमान हिंद ने, हिंदुस्तान के आसमान ने ख्वाजा गरीब नवाज जैसा वली नहीं देखा। इतनी बड़ी हिम्मत का इजहार किया है ख्वाजा गरीब नवाज के लिए। और जब हजरत अलाउद्दीन साहब कलियरी के मजार पे हजरत कासिम साहब जाते थे तो 7 मील या 7 किलोमीटर दूर से चप्पल जूता उतार देते थे, इतनी तासीम करते थे साबिर कलियरी रहमतुल्लाह की। जी तो देखो बदगुमान नहीं होना चाहिए। हाँ हम ये मानते गलती इंसान से हुई होगी, उनसे भी हुई हो, किसी से भी हुई हो, लेकिन ये कहना किसी को काफिर बनाना सही नहीं है। दुनिया से चले गए, हमें क्या मालूम दुनिया से चले गए क्या, किस हाल में है, अल्लाह ने उनको क्या मकाम दिया है, आपको क्या मालूम? हमें हम कोई आलिमुल गैब थोड़ी है। जी क्या आप आलिमुल गैब है? जी जी नहीं तो बस तो अल्लामा नकली खान ने मुझे लिखा है जो फाजिल बरेलवी के वाले माजिद सफा 170 में आपको हवाला भेजूंगा तफसील हमेशा से, उसमें लिखा है उन्होंने हजरत अल्लामा नकली खान रहमतुल्लाह अलैह ने, जिस काफिर का कुफ्र पर मरना यकीनी नहीं उस पर भी नाम लेकर लानत न करे। यानी जो काफिर पहले से ही हो और लिख रहे हैं अगर कुफ्र पर मरना तुम्हें यकीनी नहीं तो लिख रहे हैं उस पर भी नाम लेकर लानत न करे। और ये तो बड़े बड़े उलामा थे, पहले से ही मुसलमान थे, अब इन पर हम कैसे लानत कर सकते हैं? जी जी वो बात हम मानते हैं हजरत, लेकिन हमने जो देखा आपने रोशनी में कि अभी के दौर में नहीं बहुत के बहुत पहले का दौर में भी अभी भी जितने गुस्ताखी देवबंद वालों में पाई जाती है। देखो उतने होते हैं बदतमीज है, हम भी मानते हैं बदतमीज है, जैसे हमारे यहाँ भी ऐसे हैं, सब तरह के लोग हैं दुनिया में। देखिए तो आप कबीले में देखो अपने खानदान में आपके 2-4 बदमाश होंगे तो यानी कि आपका पूरे खानदान को हम बदमाश कहें? होते हैं हर कबीले में, हर उसमें होते हैं, हर खानदान में होते हैं। जी मुल्ला जैसे अंसारियों में अगर आपको 2-4 बदमाश मिल जाए तो यानी कि पूरे अंसारियों को आप कहो, या कुरैशियों में 2-4 ऐसे मिल जाए तो पूरे कुरैश, अरे भाई होते हैं हर कबीले में, हर जगह ऐसे लोग होते हैं। जी लेकिन आपको सब जगह देखना चाहिए। आपको मैं एक बात बताऊं, सच्ची बात, बस एक मिनट सुन लो फिर बताना। जिसने गुस्ताखी की थी कमलेश तिवारी ने लखनऊ में, तमाम देवबंद वालों ने रोड जाम कर दिया था, नदवा वालों ने, देवबंद वालों ने, जिसने हुसैन गुस्ताखी थी कमलेश तिवारी ने, आपको मालूम होगा अखबारों में और खबरों में सुना होगा देखा होगा कि नदवे वालों ने रोड जाम कर दिया था। अब वो उसी कमलेश तिवारी की हिमायत कर दी थी कोटा में जब एहतजाज किया था मुसलमानों ने, तो एक आदमी ने अदालत में घुस के हिमायत कर दी थी कमलेश तिवारी की। जी व्यक्ति संगे दूसरे की या उसकी की थी? तो अदालत में घुस के मारने वाला एक मर्द मुजाहिद समीउल्लाह था जो देवबंदी था, देवबंदी ने अदालत में घुस के उस हिमायत करने वाले को मारा था। जी अब कितनी बड़ी हिम्मत है पुलिस सामने रहती है, उसके बावजूद अदालत में घुस के मार दिया जिसने गुस्ताखी नहीं की थी हिमायत की थी, उसके बावजूद उसे मार दिया। जी समीउल्लाह कोटा में अभी मौजूद है, आप आज देख सकते हैं। तो देखो अल्लाह के रसूल शान में गुस्ताखी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्या है देवबंदी हो, क्या है बरेलवी हो, क्या है। आप तो बस ये है कि देखने के बाद ही फैसला कर सकते हैं। वसीम ने गुस्ताखी की तो सब काफिर मानते हैं, सलमान ने की सब काफिर मानते हैं,
और गुस्ताखे रसूल के लिए आप ये यकीन रखो कि जमीन टाइट हो जाएगी, उसे जगह नहीं मिलेगी दुनिया में रहने के लिए जल्दी जी, यानी बिल्ली आएगी तो वो छुपा छुपा फिरेगा, जैसे सलमान रजी फिरता है, वसीम रजी फिरता है, फिरता है कि नहीं फिरता। देखिए सलमान रजी तो छुपे नहीं घूमता है, सलमान रजी ने टाइट हो गई ना, ऐसे आप तो नहीं सकते ना खुलेआम, ना वसीम जा सकता ना सलमान जा सकता। अरे भाई सलमान तो गया था, वो तो अपना वीडियो बना के डेट में वायरल भी किया, लेकिन वो कुत्ता आया नहीं। अच्छा आप ये बताइए आप कि जैसे अभी आपने कहा कि जिसने ख्वाब में हुजूर की इमामत की तो आपने साफ कह दिया था कि ये आपने समझ गए थे ना बात को जी, कि जैसे ख्वाब में देखा हुजूर घोड़े पर तशरीफ लिए जाते हैं, तो पूछा या रसूल अल्लाह कहाँ तशरीफ लिए जाते हैं, फरमाया बरकात अहमद की नमाज जनाजा पढ़ने, तो वो साहब कह रहा है कि एक साहब बहुत बड़े आलिम है कह रहा है कि वो नमाज जनाजा मैंने पढ़ाई थी, ख्वाब में अल्लाह के रसूल के इमाम बन रहे हैं जी, तो ये इबारत आपको दुरुस्त लग रही क्या? नहीं ना, कैसी लग रही? ये तो कुफरी इबारत है भाई, हुजूर का इमामत ही कोई हकीकत भी नहीं कर सकता तो ख्वाब भी नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर हजरत, अगर आपको मैं बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे हजरत। क्या बताइए? ये सफा नंबर 22 जिल्दों में आला हजरत की किताब अल मलफूज में है कि आला हजरत ने कहते हैं कि वो नमाज मैंने पढ़ाई थी, यानी जिस जनाजे में हुजूर शरीक हुए हैं जी। तो आप बता दिया कि कुफरी है, आपने बता दिया कुफरी है, बहुत अच्छा, तो आप भेजिए, मैं भेजूंगा हजरत, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, मैं आपको भेजूंगा, आप बिल्कुल घबरा रहे। पहली तो बात हमुल्ला जी ये है कि इस बात को तो छेड़खानी नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी मसलक वाला हो, लेकिन इसमें जो गंदगी पाई जाती है, तो मैंने आपको क्या कहा इसमें मसलक वाले बात में? नहीं हजरत, आपने जैसे अभी कहा कि ये बात कुफरी है, आपने कुफरी है ना, लेकिन मैंने तो उसको अभी तक किसी किताब में मुतला नहीं किया है, आपके पास है तो आप भेज दीजिएगा। मैं भेजूंगा अभी बात करने के बाद, जल्दी से भेज दूंगा आपको, बस बात जी जी, जी बिल्कुल भेज दीजिएगा आप। और सुनो एक और इबारत बोलिए, इसमें लिखा है अल्लाह के रसूल का जमाना है, अल्लाह के रसूल मौजूद है, तो अल्लाह यानी लिखा है कि कुफार ने मदीने शरीफ का मुहासरा कर लिया था, इस्लाम का किला कमा करना चाह रहे थे, तो अल्लाह ने हवा को हुक्म दिया जाओ काफिरों को नेस्त नाबूद कर दो, हवा से कहा, तो हवा अल्लाह से कह रही है अल हलाइल ला यखरुजना बिल्लैल, के बीवियां रात को बाहर नहीं निकलती, तो फिर अल्लाह ने उस हवा को बांध कर दिया, दूसरी हवा को हुक्म दिया अल्लाह ने, क्या ऐसा हो सकता है कि हवा अल्लाह से ऐसा कह दे और अल्लाह का हुक्म न माने हवा? देखिए भाई जिस किताब का हम मुताला किए नहीं तो हम उस पर तो कुछ नहीं कह सकते, नहीं थोड़ा दिमाग से भी सोचो कि हवा अल्लाह हवा से हवा में इतनी हिम्मत कहाँ होगी कि अल्लाह की नाफरमानी कर दे, सारी दुनिया की हर चीज अल्लाह की इताअत फरमाबरदारी करती है, सिर्फ मुसलमान ऐसा है जो इताअत फरमाबरदारी नहीं करता, वरना हवा पानी में ये थोड़ी है, हवा पानी इस बात के मुकल्लफ थोड़ी है कि अल्लाह की नाफरमानी करे, भाई इंसान है जिन्नात है ये करते हैं, इंसान जिन्नात का मामला अलग है। अब देखो उसी किताब में लिखा है कि हवा ने अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह ने हवा को बांझ कर दिया, अब ये कैसे देख रहे थे कि हवा बांझ हो गई है, हवा से पानी नहीं गिर रहा, इन्हें कैसे मालूम हो रहा है, और अल्लाह ताला हवा से कह रहा है, हवा अल्लाह से कह रही है, ये कहाँ से सुन रहे हैं बात 1400 साल पहले? ये भी अल्लाह हजरत ने लिखा है सफा नंबर 105-104 में जल्द आप भेज दीजिएगा, हम मुताला करके आपसे बात करेंगे। और एक और बात सुना हजरत, अब अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह अलैह का तर्जुमा सुनो और औरों का भी तर्जुमा सुनो। जी मैं तो हर किसी का मुताला कर रहा हूँ, लेकिन फतह की पहली आयत का तर्जुमा किया है मैंने, थोड़ा सुने कि इन्ना फतह लक फतह मुबीना, तर्जुमा किया हमने फैसला कर दिया तेरे वास्ते सरी फैसला, ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले और पिछले गुना, पूरा करे तुझ पर अपने एहसान और चलावे तुझको सीधी राह, लेकिन दिल में नियत रखते हैं कि सारे नबी सारे फरिश्ते मासूम है, लेकिन जाहिर तर्जुमा किया है कि अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुना माफ किए। नहीं उसमें तर्जुमा यह है कि जिस फतह आपको दी गई थी वो आप कामयाब हो गया है, उससे आगे और जो भी है उसमें अल्लाह आपकी और रहनुमाई करे। हाँ जो ये तर्जुमा हुआ है करते हैं, फाजिल बरेलवी ने किया कि अल्लाह ने आपके सबब आपके अगलों के पिछलों के गुनाह माफ किए लेकिन उनके वालिद ने तर्जुमा किया है अल्लामा नकवी खान ने कि हमने फैसला कर दिया तेरे वास्ते सारी फैसला, ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले पिछले गुना, सफा नंबर 116 में आपको वो भी हवाला भेजूंगा तफसील अपने शाह से जिल्द अव्वल से, और ये इमाम अहमद रज़ा एकेडमी बरेली से छपी है साले नगर से, वो जब बौलन फाजा का तर्जुमा किया जब आपको राह भूला पाया तो राह दी, तो ये इन तर्जुमों पर हम किसी के ऊपर कुफ्र का फतवा नहीं लगा सकते, इसलिए कि देखिए भाई आप देखिए आपका जो देखिए आपका जब मुजद्दी था तो आपसे बेहतर तो वो समझा इस इबारत को, कौन उन्होंने आज तक आपका जो मुजद्दी है
आपने तो अपने आला मुजद्दिद के ऊपर फतवा लगा दिया ना, तो अपने मुजद्दिद पर फतवा लगा दिया, कुफरी इबारत नहीं है मेरी इबारत। देखिए हम उस टाइम थे, आपने तीन बार कहा कि ये कुफरी इबारत है कि भाई मैंने तो आज तक मुताला नहीं किया है, आप भेजेंगे मैं पढ़ूंगा, भी नमाज नहीं पढ़ा सकते। आपने कह दिया कुफरी इबारत है, आपने अपने मुजद्दिद पर कुफर का फतवा लगा दिया। वो बात नहीं, मैं फतवा इसलिए लगा के मैंने तो कुफर का फतवा नहीं लगाया, आपने लगाया। देखिए आप लास्ट में बोले कि किताब आला हजरत का है, लेकिन मैं ऐसा बोलता नहीं, अभी भी मैं अच्छा मैं कहता पहले आला हजरत की बताता तो फिर आपकी तारीफ बिल्कुल सही है, है कि नहीं? बिल्कुल, मैंने पहले जो कहा वो भी सही है, करो तो कायदे से करो। अल्लाह फरमाता है मैंने वही कहा है भाई कि जो इसमें जो फतवा लगा है या गलत है तो आपके थानवी साहब तो समझा होंगे। अच्छा हजरत कोई ये लिखे कि जैसे वलियों की तारीफ में लिखता है कि वली हजरत पीरान पीर के मुतालिक वाकया है कि 70 जगह दावत खाने तशरीफ ले गए थे एक वक्त में। देखो वो तो बहुत बड़े वली थे, उनकी तो बहुत करामात हैं, बड़े पीर। तो अब इस बात में सबूत में लिख रहे हैं इस बात में कि कृष्ण कन्हैया काफिर था, वो एक वक्त में हजारों जगह नजर आता था। आप तो गौसे आजम को मानते होंगे ना? नहीं, ये बताओ कृष्ण कन्हैया से मिसाल देने की क्या जरूरत थी? और कृष्ण को इन्होंने कहाँ देखा? कृष्ण की तारीख कब की है? कृष्ण कन्हैया बहुत पुरानी तारीख है, ये किसने इनको बताया? और मुसलमानों की गवाही मानी जाएगी, उस जमाने में कौन से मुसलमान थे? अब ये बात लिखना कि कृष्ण कन्हैया काफिर था एक वक्त में, उस जमाने में बलियों की तारीफ करने से क्या फायदा हो रहा है? अरे भाई ये वही तो मैं कह रहा हूँ, उस जमाने में ना हम थे ना आप थे, उस जमाने में जो लिखी गई है और सुनिए उसको आपके बेहतर आपके मुझे भी साफ समझाए। अच्छा हजरत, सबसे पहले आदमी आदम अलैहिस्सलाम है कि नहीं? बिल्कुल है। आदम अलैहिस्सलाम को हम ये नहीं कह सकते कि आदम अलैहिस्सलाम गौस थे, कुतुब थे, अब्दाल थे, वो नबी थे। गौस कुतुब तो अल्लाह के रसूल की उम्मत में होते हैं, है कि नहीं? अब पूछा गया एक आलिम साहब से कि हजरत गौस का क्या मकाम क्या मर्तबा है, तो उन्होंने जवाब ये दिया कि बगैर गौस के जमीन और आसमान कायम नहीं रह सकते। अब आपके समझ में आ रही है बात के बगैर गौस के जमीन? देखिए गौस का माने होता है मददगार। तो बिना मदद किए तो इंसान में कोई भी दुनिया में कोई भी जी नहीं सकता, कोई किसी का मदद करता ही है। बताओ कि आदम अलैहिस्सलाम तो सबसे पहले आदमी है, कौन से गौस थे उनके जमाने में? और जमीन आसमान आदम अलैहिस्सलाम से पहले के बने हुए हैं, बने हुए हैं कि नहीं? तो उन्होंने लिखा कि बगैर गौस के जमीन और आसमान कायम नहीं रह सकते, तो आदम अलैहिस्सलाम के पहले से ही जमीन आसमान कायम है, तो ये भी हम भेजेंगे, ये भी आलात ने लिखा है। ठीक है जी, व्यक्ति संगे आपने कथा बोलछेन। हेलो हेलो हजरत, हाँ बोलिए। और भी हम बहुत सी बातें भेजेंगे। देखिए मैंने बोला है कि गौसे आजम को आप मानते होंगे? अरे वो तो वलियों के सरदार हैं, वलियों के सरदार हैं, तो वो तो अपना इजाद देखिए, और पीर लासानी है, बिल्कुल है, लेकिन जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं मानता? देवबंद वाले दिलो जान से मानते हैं, मानते हैं तो देवबंद वाले इजाद भी करते हैं, देवबंद वाले दिलो जान से मानते हैं, देवबंद वाले दिलो जान से चाहते हैं, देवबंद वाले उनका नाम बड़ी अजमत के साथ लेते हैं, देवबंद वाले मेरी बात को सुनिए, देवबंद वाले उनका चर्चा करते हैं, देवबंद वालों का सिलसिला कादरिया है, देवबंद वालों का सिलसिला, देवबंद वालों का सिलसिला नक्शबंदिया है, देवबंद मानते हैं, देवबंद वाले शेखुल हदीस होते हैं, बड़े बड़े मुहद्दिस हैं, देवबंद वाले हदीस शरीफ की 39 शरह लिखी है, 39 शरह हदीस शरीफ की। जी मैं वो बात कहाँ कह रहा हूँ, देवबंद वाले अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे इमाम हुए, उस्मानी जैसे हुए हैं, उस्मानी साहब जो अभी मौजूद है, मुफ्ती आजम पाकिस्तान, मुफ्ती शफी साहब ने पूरी तफसील लिखी है कुरान की, हम वो बात नहीं बोल रहे हैं। मौलाना शफी थानी साहब ने दुरूद शरीफ पर पूरी किताब लिखी जिसका नाम है ज़ादुस सईद, दुरूद शरीफ की फजाइल पर वो लिखी है किताब, और मौलाना शफी थानी साहब ने अल्लाह के रसूल की बेहतरीन तरीके से सीरत बयान की है जिस किताब का नाम है नशरुती फी ज़िक्र नबी हबीब, आप पढ़ो तो आंखें खुल जाएंगी इंशाल्लाह। जी जी मैंने वही कहा आपको कि आप अनवर शाह कश्मीरी को भी मानते हैं, आपके अनवर शाह कश्मीरी में पहले, जी जी पहले मेरी बात सुनिए हजरत, आपने बहुत बोला तो मैंने आपको सुना, आप मेरी बात सुनिए कि आपके अनवर शाह कश्मीरी ने आला हजरत को
हक जाना है, हक माना है, फतावा कश्मीरी सफा नंबर 12-13 में। हाँ तो खाली अनवर शाह कश्मीरी मत कहो, रहमतुल्लाह लिखा हो, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी। मैं वही भी कह रहा हूँ, अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह लिखा हूँ जी। जी मैंने वही कहा, अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह जो आपके हैं उन्होंने आला है, आप भी कहो, हम भी कह रहे हैं, आप भी कहो। मैंने आपको पहले कहा, आप गौसे आजम को जो मानते हैं उसका करते हैं, अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह लिखा हो। अरे भाई आप मेरे पास सुनेंगे तब तो आप अपना बात बोलेंगे ना, ऐसे करके कहो तब मैं सुनूंगा, अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ने लिखा है, कहो। देखिए अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह है जो भी है, मैं तो उसका कोई गुस्ताखी नहीं करता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो रहमतुल्लाह अलैह। अरे भाई मेरे बात पहले सुनो दो, तो क्या उन्हें तो शक हो रहा है, आप खुद बयान करो, कहो कि हाँ बेशक अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम थे जी, बहुत आलिम थे। हम उसको कहाँ बोले के छोटे आलिम है, कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। आपके अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ने अपने फतावा कश्मीरी लिखा है कि मैंने अपने जमाने में आला हजरत जैसा फकीह किसी को नहीं देखा, अगर ये इमाम आजम अबू हनीफा के दौर में होते तो बेहतरीन शागिर्दों में होते। क्या बात की, कितनी अच्छी बात की हजरत ने है, ये फतावा कश्मीरी में है, सफा नंबर 12-13 में लिखा है। वो तो इमामुल मुहद्दिसीन थे हजरत अल्लामा जी, तो आपके कश्मीरी साहब खुद ये बात कह रहे हैं। कश्मीरी नहीं है, आप कहोगे तुम्हारे, अरे भाई अरे हाजी इमदादुल साहब मुहाजिर मक्की हमारे, तो तुम्हारे लिए बड़े पीर साहब हमारे, तो तुम्हारे लिए मुल्ला जी आपने अच्छी बात कही, मुल्ला हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की आज तक किसी की किताब में कुफर इबारत नहीं लिखा है। मुल्ला क्यों कह रहा हूँ, अरे भाई मुल्ला ने कहा आपके हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की आज तक किसी की किताब में, आप नहीं मानते। अरे भाई मैं तो मानता हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्होंने आज तक किसी किताब में कुफ्र इबारत नहीं लिखा है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपके हमारे हम सबके हैं हाजी इमदादुल्लाह। भाई मैं तो ये कहा आप, मैं इसको बता रहा हूँ आपके, मैं आपको तीन बार पूछा कि गौसे आजम को आप मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने अपना लंगर लुटाया है खुद, फतूल गैब के अंदर लिखा है कि मैं अपना ग्यारहवीं भी करता हूँ, लंगर भी लुटाता हूँ। देवबंद इसका खाता भी करते हैं। थानवी साहब के एक रिश्ते में बड़े भाई, आप उन्हें जानते हैं? थानवी साहब के बड़े भाई मोहम्मद अहमद साहब बहुत बड़े आलिम थे, काबिल थे, उन्होंने ये लिखा था। थानवी साहब के तो दो ही भाई है रिश्ते में और रिश्ते में वो तो मजदूर की दुआ से जो पैदा हुए थे दो ही थे, लेकिन रिश्ते में भी होते हैं ना। देखिए वो पैदा हुए थे किसके घराने में, मजदूर अब्दुल हक साहब के घराने में, एक मजदूर की दुआ भी थी जी जी। मैं वो नहीं कहता हूँ, अब्दुल हक साहब के घराने में पैदा हुए थे, लेकिन अब्दुल हक साहब उनके पापा नहीं थे, एक बड़े भाई हैं रिश्ते में। उन्होंने लिखा, जरा सुन लेना मुझे बताने सही है कि नहीं। जी उन्होंने अपने दो बेटे थे उनसे कहा, हसनैन एक का नाम हामिद साहब था, मोहम्मद हामिद, और एक का नाम, और तो दोनों से मुखातिब होकर कहा कि तुम दोनों मोहब्बत इत्तेफाक से रहना। फिर बाद में लिखा, हत्तल इम्कान इत्तिबाए शरीयत न छोड़ना, यानी हत्तल इम्कान कोशिश करना शरीयत न छोड़ना। फिर इसके बाद ये लिखा उन्होंने कि मेरा दीन और मजहब जो मेरी किताब से जाहिर है, मेरी किताबों से जाहिर है, इस पर मजबूती से कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है। उन्होंने शरीयत के अलावा ये लिखा कि शरीयत पर तो हत्तल इम्कान अमल करना, फिर अपना दीन के लिए अलग कर दिया कि मेरे दीन पर मजबूती से कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है जो मेरी किताबों में जी, अपनी किताबों की कैद लगा ली, और शरीयत के लिए नहीं कहा कि शरीयत पर मजबूती से जमे रहना। शरीयत के बारे में लिखा, हत्तल इम्कान शरीयत पर अमल करना और मेरे दीन और मजहब पर मजबूती से कायम रहना हर फर्ज से हम फर्ज है जो मेरी किताबों में। तो ये क्या माना जाए कि नहीं, अपने दीन का अलग कर दिया उन्होंने, शरीयत से अलग कर दिया कि मेरे दीन और मजहब जो मेरी किताबों में लिखा है, औलिया किराम की किताबें नहीं, उन्होंने अपना दीन अलग कर दिया शरीयत से। थानवी साहब के भाई, हाँ उन्होंने लिखा कि इसको सही माना जाए। कोई कहता है कि अलग अलग ताबीले करते हैं कि साहब कब्र में सवाल होगा तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, वो मुराद है यहाँ पर। तो भाई मैंने कहा कि ये शरीयत को तो अलग कर दिए ना, उन्होंने पहले लिखा शरीयत पर अमल करना और बाद में अपना दीन के लिए अलग कह रहा है कि मेरा दीन और मजहब जो मेरी किताबों में है इस पर ही कायम रहना हर फर्ज से हम फर्ज है, हर फर्ज से हम फर्ज लिखा है, यानी फर्ज नमाज रोजा जकात हज सबसे हम फर्ज है। तो मैं तो गलत समझता हूँ, गलत बात है, गलत बात है। आप भी माशाल्लाह बहुत, हाँ वो कुछ लोग उसको सही बताते हैं, मैं तो गलत समझता हूँ, गलत है हर फर्ज, बिल्कुल गलत है। जो ऐसी तैयारी वो खुद लिखा है कि मेरी पैरवी करो मेरा दीन सही है, तो ये तो गलत बात है ना। ऐसे आदमी को क्या माना जाए, ऐसे आदमी को, ऐसे आदमी से दूर रहना चाहिए, ऐसे आदमी से ईमान पर नहीं होगा जो अपना अकीदा खुद बयान करे और कहे कि मेरी मेरा धर्म मान के चलो। हाँ हाँ यही तो लिखा है कि ये लिखा है शरीयत, देखो मैं पढ़ के बताऊँ, दोनों बेटों से कहा दोनों बेट तुम सब मोहब्बत इत्तेफाक से रहना, हत्तल इम्कान इत्तेबाए शरीयत न छोड़ो, बस यहाँ तक तो बात हो गई शरीयत की। फिर लिखना है मेरा दीन और मजहब जो मेरी कुतुब से जाहिर है इस पर मजबूती से कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है।
तो ये तो बिल्कुल गलत लिख दिया कि अपना दीन अलग बनाकर कह रहा है कि इस पर अमल करना और शरीयत के लिए लिखना कि हत्तल इम्कान अमल करना, अपने दीन के लिए लिखना कि मजबूती से अमल करना। तो हजरत आपने सही बताया, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल है कि नहीं साहब? बिल्कुल गलत है। हाँ, ऐसी ऐसी बातें लिख देते हैं, ये समझ में नहीं आता हजरत। इसको भी आप पढ़ लेना, मैं हवाला भेज दूंगा आपको। जी जी, ये भी हजरत आला हजरत ने लिखा है। जी, जो भी हो, मैं तो किसी को काफिर नहीं कहता, लेकिन ऐसी बात लिखने वाला तो गलत ही है। माशाल्लाह बहुत काबिल आदमी है, बहुत। आप किसके मुरीद हैं हजरत जी? मैं मुरीद नहीं हूँ भाई किसी से अभी। अच्छा हजरत जी, अभी तक मैं मुरीद हुआ नहीं हूँ। अरे होना भी मत, तो हजरत हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह की दरगाह पे जाके मुरीद हो जा, देवा शरीफ में, वहाँ पर वो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं। उन्होंने के भी दिए था कि जिसने मुझे देख लिया मेरा मुरीद है। आज के जमाने में अगर कोई कुम्भ कामिल नहीं मिल रहा तो वहाँ जाके मुरीद हो जाओ, दरगाह पे जाके। नहीं, मैं तो अभी मुरीद नहीं, मेरा टाइम है। अरे हो तो ऐसे शख्स से मुरीद होना जो देवबंद बरेली सबको मुसलमान मानता हो, कौम में इंतशार पैदा नहीं करता हो, ठीक है ना हजरत जी? मैंने तो पहले आपको कहा कि ये मसले की बात जो है ना, इनमें हजरत सब बात में छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। आप देखो आज हमारा कोई आदमी जैसे क्रिकेटर, क्रिकेट आप देखते हैं? क्रिकेट मैं भी देखता हूँ। तो अगर कोई ये कहे कि इंडिया में मुसलमान है कि नहीं क्रिकेटर, तो हम कहते हैं कि नहीं, मोहम्मद सामी है, मोहम्मद सिराज है। लेकिन क्या हम उनसे पूछने जाते हैं कि तुम्हारा कौन सा अकीदा है, देवबंदी हो, बरेलवी हो, तुमने फताह शाम अरमेन पढ़ा कि नहीं पढ़ा? लेकिन बगैर देखे, बगैर पूछे हम कह देते हैं मुसलमान है। ऐसे अबुल कलाम जिन्होंने मिसाइल बनाया था, हिंदुस्तान को दिया भारत की खिदमत के लिए, सेवा के लिए, उनको भी हम मुसलमान ही कहते हैं। अबुल कलाम साहब को कहते हैं कि नहीं कहते? इसी तरह से जो भी पार्लियामेंट में जाता है, असदुद्दीन ओवैसी हो या अकबरुद्दीन ओवैसी हो, तो हम यही कहते हैं मुसलमान है। अब असदुद्दीन ओवैसी तो देवबंदी बरेली सब में जाते हैं, आपको मालूम ही है। असदुद्दीन ओवैसी सब में जाते हैं कि नहीं, देवबंद वालों में भी सब में जाते हैं? तो अब देखो हजरत, बगैर सब में जाए हुए हम दुनिया में नहीं रह सकते। वैसे ही गैर मुस्लिम, गैर लोग हमारे ऊपर हावी है कि नहीं? और हम आपस में इंतशार इफ्तराक पैदा करते रहेंगे तो फिर हमें बहुत मुश्किल, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। हमें जैसे शाहीन वाले हैं जो दिल्ली में है, अब ये शाहीन वाले सबको पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि आईएएस बने, पीएस बने, वो ये थोड़ी देखते हैं तुम देवबंदी हो के नहीं, बरेलवी हो के नहीं, वो तो सबको पैसा देना चाहते हैं कि भाई आईएएस बनो, है कि नहीं? इसी तरह से अगर आबादी कोई पूछे आपसे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी कितनी है, आप ही बताओ कितनी हो सकती है अंदाजा? कितने हो? अभी तक तो 30 करोड़ तो पार हो ही चुके लगभग। हाँ, वही तो। अब अगर कोई आपसे पूछे कि जनाब अगर आप उनको मुसलमान नहीं मानते, उनको नहीं मानते, 30 करोड़ क्यों बता रहा हो, तो आदमी नहीं पूछेगा यार कि यार ये इधर तो मुसलमान नहीं मान रहे, उधर आबादी बताते हो मुसलमान मान रहे 30 करोड़। अब इसी तरह से एक बात तो बताओ, गाजियाबाद में आपके यहाँ कोई ऐसा शख्स है जो गैर मुस्लिम हो, कुरान का हाफिज हो, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कोई गैर मुस्लिम कुरान का हाफिज हुआ कभी आपने देखा? ऐसा नहीं हो सकता कभी, है ना? बस तो समझ लो देवबंद वालों में लाखों हाफिज हैं, लाखों कारी हैं, बरेली में भी, बरेली वालों में भी लाखों हाफिज हैं, कारी हैं, लेकिन हाफिज वही होगा जो ईमान वाला होगा, और बेईमान कुरान का हाफिज नहीं हो सकता है, समझ लो ना? जी जी। तो बस हजरत, आप मेरा एक सवाल का जवाब नहीं दिए। कौन सा? कि मैंने आपको कहा कि गौसेराज अपना लंगर लुटाते थे, 11वीं मनाते थे, फतूल गैब के अंदर खुद लिखा है, लेकिन आप लोग उसको तस्लीम नहीं करते, नहीं मानते हैं। अरे देखो, ये नहीं खाने वाले नहीं खाए तो अपन क्या करें, इससे कोई काफिर नहीं हो जाते, नहीं खा रहे लंगर? अरे भाई काफिर नहीं होते, लेकिन जब 11वीं बहुत से देवबंद वाले खा भी लेते हैं। अब जो नहीं खाए तो देखो, बरेली में तो अपने कितने झगड़े है, कोई ताजिया बनाता है, बरेली वालों ने हालात में मना किया, ताजिया नहीं बनाना चाहिए, तो अब जो उनको मानने वाले पीलीभीत वाले बनाते हैं, तो अब इसका क्या किया जाए? अब बहुत से जाहिल लोग सजदा करते हैं मजारों पे, हालात ने थोड़ी की, हालात ने तो लिखा चार हाथ दूर खड़ा हो, अब जाहिल उनके मानने वाले सजदा कर ले या कोई और दूसरा जाहिल कर ले, तो ये थोड़ी के साहब हालात ने कहा है। और दरगाह पे जब भी कभी आप जाओ तो अल्लाह ही से दुआ मांगो और उनके नेक अमाल के वसीले से दुआ मांगो। ये तो करते हैं हजरत, देखिये तरीका तो यही है और लोग यही करते हैं, लेकिन आदमी समझ दे के इसमें जो है सजदा हो रहा है, सजदे के लिए पहले नियत चाहिए। अगर हम मस्जिद में भी अगर सजदा करें, अगर नियत हमारा नहीं है सही अल्लाह पर, क्या अल्लाह को सजदा करें तो बेकार है? नहीं, वो सजदे की तो कोई शक्ल होनी नहीं चाहिए, मना है, सख्त मना है, इसलिए कि मना है, लेकिन देखिए इजाजत नहीं दी, बिल्कुल इजाजत नहीं दी, अपने लिए इजाजत नहीं दी, किसी का भी इजाजत नहीं। अगर सजदा मेरे लिए जायज होता तो मैं औरत को हुक्म देता हूँ शोहर को सजदा करे। जी जी मुल्ला जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसी का सर भी अल्लाह के सामने ही झुकना चाहिए, मजार पे झुकने का हुक्म नहीं दिया है। बस बस, आप देखो मैं कह रहा हूँ, बरेली बरेलियों में कई फिरके हो चुके हैं, जैसे ये दावत इस्लामी पाकिस्तान वाला, ये अलग है, ये चंदा घसीटता फिर रहा ज़कात सदका खैरात, और अपनी टीवी चलवा रहा मदनी चैनल जगह जगह, और ये लिख रहा है कि यानी जो टीवी देखेगा जन्नत में जाएगा, मदनी चैनल जो देखेगा जन्नत में जाएगा,
सलाम कैसे मजाक बनाया, आलू बैंगन टमाटर की, और इस जाने क्या क्या इसने लिखा है। तो उनका फतवा थोड़ी ना चलेगा, वो घर का फतवा बनाएगा। इसने ये भी लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और इलियास काजी खाने काबा में बैठा है, अल्लाह के रसूल के सामने बैठा हुआ है, बताओ कितनी बड़ी तोहीन है। भाई तो उनका फतवा थोड़ी ना चलेगा, अपने पाप के घर से फतवा लिखता है कि लाडी कब्रिस्तान जितने से सबकी बख्शिश हो गई, जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई। सफा 27 में लिखा है जो कानून शरीयत के मुताबिक फतवा है उसी को माना जाएगा। आप बहुत अच्छे आदमी मुझे लगे, आप तो बहुत समझ के फैसला किया करें। अभी आप कुरान का तर्जुमा पढ़े, दोनों का पढ़े, देवबंद वालों का भी बरेली वालों, और तफसीर भी दोनों की पढ़ो आप। और मैं तो ये कहता हूँ औले अल्लाह की किताबें पढ़ो आप, दोनों की ना पढ़ो तो औले अल्लाह की पढ़ो जो औले अल्लाह ने लिखी, जैसे इमाम रब्बानी मुजल सानी रहमतुल्लाह अलैह ने, शेख अहमद सरहिंदी ने, या हजरत शेख अलाउद्दीन सादिर कलियरी के मुरीदों ने जो लिखी है, है कि नहीं। देखो अगर आप सब औलिया की किताबें पढ़ोगे फिर बाद में इन दोनों की भी पढ़ोगे तो आपको फिर हकीकत सामने आ जाएगी, किसने गलत लिखा किसने सही लिखा, है कि नहीं जी। आपने कभी अच्छा गाजियाबाद में इमाम रब्बानी मुजद्दिद अलिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह का तस्किरा सुना, कभी किसी जलसे में उनके नाम से कभी जलसा हुआ गाजियाबाद में इमाम रब्बानी के नाम से, जश्न इमाम रब्बानी मुजद्दिद अलिस्तानी जो इनका मजार पंजाब में है? नहीं उनका तो मैंने अभी जलसे तो बहुत होते हैं, मैं जाता ही नहीं उन जलसे में। हाँ लेकिन उनके नाम का कभी नहीं सुना हुआ आपने? नहीं सुना भी तो नहीं है, शायद होंगे कई जगह। आला हजरत के नाम के झंडे गाड़ना चाहते हैं, बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, हम पूरी दुनिया में आला हजरत के नाम के झंडे गाड़े हैं। न सिद्दीक अकबर का जिक्र, न हजरत फारूक आजम का जिक्र, न हजरत उस्मान गनी का जिक्र, न हजरत अली का ज्यादा जिक्र, कभी कभार थोड़ा बहुत नाम लिया। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तो ये लोग नाम भी नहीं लेते, आपने भी सुना होगा जलसों में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तारीफ ही बयान नहीं करते, कभी नाम अजा बात अलग। कभी आपने इमाम बाकर का नाम तस्करा नहीं सुना होगा, न हजरत इमाम जाफर का, न हजरत इमाम मूसा कादिम का, न हजरत इमाम अली रजा का, न इमाम तकी का, न इमाम नकी का, न हजरत इमाम हसन अस्करी का। कभी आपने इमाम हसन अस्करी के बारे में तकरीर सुनी किसी बरेलवी से? नहीं सुनी होगी ना। मैंने तो नहीं सुनी, लेकिन वही तो ये आला हजरत का तो चर्चा आपने सुना होगा ना, आला हजरत का चर्चा जी हर जगह करते। भाई देवबंद वाले नहीं कह रहे आला हजरत को मत मानो, उनका कहना है कि तरीके से मानो। ये क्या तुमने सारे आलिमों को एक साइड करके, सारे वलियों को एक साइड करके बस हर जगह आला हज़रत का जिक्र करना शुरू कर दिया, और हर जलसे में यानी हर जलसे में हर जगह हर हर महीने एक महीना पूरा इलियास कादी ने आला हज़रत के नाम वक्फ कर दिया मदनी चैनल पे, लेकिन एक दिन भी उसने सिद्दीक अकबर के नाम पर, फारूक आजम के नाम पर वक्फ नहीं किया मदनी चैनल में, न एक दिन भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तारीफ बयान की, न एक दिन भी इमाम बाकर की तारीफ बयान की। ये इलियास कादी हजरत सुनिए मौला जी, एक ख्वाजा गरीबनवाज किसके नस्ल से थे? हजरत इमाम हुसैन अलैहि सलाम की औलाद में। उनका पीरो मुर्शिद कौन है? हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह जी। उनके पीर हजरत हाजी शरीफ जिंदनी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पीर हजरत मौजूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। तो ख्वाजा गरीबनवाज से दीन से सलाम फैलाया, करामत से फैलाया? अरे करामत से भी फैलाया, अपने अखलाक से भी फैलाया, किरदार से भी फैलाया। और उनकी शान में एक शेर सुनो जो शायर ने कहा है, उनकी तरफ इशारा जाता है। कहूँ जी बोलिए। चोलों में खिलाए गुलजार शरीयत के, चोलों में खिलाए गुलजार शरीयत के, वहदत के चिरागों को आंधी में जलाया है, बेदत के चराओं को आंधी में जलाया है। ये शांति हमारे ख्वाजा गरीबनवाज में जी जी। ख्वाजा गरीबनवाज ये भी लिखा है कि सास्त हुसैन बाद सास्त हुसैन दीप अस्त हुसैन दीप पना हस्त हुसैन। इसको भी बरेली वाले बहुत से नहीं मानते थे, एक अजमेर शरीफ में कंधा है वो कहता था कि ये तो एक शिया का शेर है जिसका नाम मोइनुद्दीन था, ईरान के शिया का शेर बता रहा था, वो अंधा अजमेर शरीफ में रहता है और वो आलत के झंडे गाड़ना चाहता है अजमेर शरीफ में लेके, जो भी खा रहा है नहीं खा रहा है हजरत ख्वाजा गरीबनवाज के नाम पर, वहां रहता है लेकिन झंडा वहाँ आला हजरत का गाड़ता अजमेर शरीफ में। कितना बड़ा गद्दार है वो। देखिए मसलक वाला कोई हो वो मसलक अपनी जगह नहीं, गद्दार कितना बड़ा है कि अजमेर शरीफ में रहके भी आला हजरत की गुनगाता है वो हर तरह से, और वो तरकीब से सोचता है कि किसी तरह से मैं आला हजरत के झंडे गाड़ दूं चारों कोने में अजमेर शरीफ, लेकिन नहीं कर पाएगा इंशाल्लाह, देखना मर मरा जाएगा या बीमार हो जाएगा। ख्वाजा गरीबनवाज के दर में जाके उसका चर्चा होना चाहिए ना।
अरे हर ख्वाजा ख्वाजगा मुर्शिद हिंदुस्तान की, तो हिंदू भी तो भाई आते हैं, ईसाई भाई भी आते हैं, फिल्म स्टार भी आते हैं, नेता भी आते हैं, सब वहाँ आते हैं जी। बड़े बड़े किताबों में है कि अकबर बादशाह के चौखट पे गया, वो तो पैदल आया था आगरा से अजमेर शरीफ तक कुएं बनवाते हुए पैदल आया, और अकबरी मस्जिद उसने बनवाई कि नहीं बनवाई। जी जी तो उसके जैसा वली कहा हिंदुस्तान। ये प्लानिंग चल रही है कि अभी जो उरुस होगा ना, इसमें भी बरेली वाले आएंगे, तो उनका मकसद ये होगा कि हम यहाँ आला हज़रत के इनाम का डंका बजाएंगे, मसला के आला हज़रत के नारे लगाएंगे अजमेर शरीफ में, यानी झगड़ा करेंगे। भाई वैसा नहीं होगा, देखिए जिसका मसला है वो अपनी जगह है, जिसके दरबार में जाएंगे वहाँ उनका सरकार होगा ना। हाँ ये तो ऐसा कर रहे हैं ना कि वहाँ जाके लड़ाई की थी, अगले साल भी इनको मारा था मुजाहिरों ने, बहुत जबरदस्त मारा था इनको। भाई तुम यहाँ के बदतमीजी कर रहा हो, यहाँ आके तो हजरत निजामुद्दीन औलिया का भी लोग नारा नहीं लगाते, यहाँ आके तो लोग हजरत साबिर कलजरी का भी नारा नहीं लगाते, तुम फाजिले बरेलवी का नारा लगा रहा हो। आला हजरत ने औलिया किराम की मोहब्बत बताई है, तो इनसे पूछा जाए आला हजरत कब पैदा हुए, ये कहेंगे 170 साल पहले, कहना ये बताओ ख्वाजा गईनवाज कब आए, कहेंगे 800 साल पहले, कहना 650 साल तक कौन ख्वाजा गईनवाज की अजमेरी रहमतुल्लाह की अजमत और मोहब्बत बताता था, कौन ने मुसलमानों को ख्वाजा गईनवाज की अजमत और मोहब्बत बताई 650 साल तक, आला हज़रत तो 650 साल बाद पैदा हुए। इतना धोखा देते हैं, इतना बेवकूफ़ बनाते हैं, कौम को उल्लू बना के रख देते हैं लोग।